किलोमीटर फील कर रहे हैं, प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ जब हम फिल्म बना रहे थे तो पता नहीं था कि लोग कैसे रिसीव करेंगे। ऑफ़ कोर्स फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, पर बीएमसी के लोगों को अच्छा लगा, कार्यकर्ताओं को अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की उनके साथ में। क्या कैसा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ? वही मैं कह रही हूँ कि यू नो, ऐसे जो उनको सीख मिली ना इससे, इंक्लूडिंग द फैक्ट दी कि हम लोग अगर इसको एक सिर्फ एक जॉब मानकर चले तो 8 घंटे काम करें और निकल जाए तो ठीक है, जॉब है, पर अगर आप पैशनेटली कभी ज़्यादा भी रुक के काम करके जाएं तो शायद बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों ने ऐसे अलग अलग उनके उनके मतलब या इमोशंस शेयर किए। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब हर एक कॉम्प्लीमेंट स्पेशल है। हाय, थैंक यू। आपकी फिल्म जो है बैक टू बैक मतलब लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है, एंड यू नो कि अभी तक ये सिनेमा घरों में एंड यहां पर हमने देखा लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सो एज एन एक्टर क्या फील करती हैं आप जब भी कोई, ऐसा लगता है कि नाच उठूं? ये जाहिर सी बात है कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी हिट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा इस फिल्म के साथ और बाकी फिल्मों के साथ भी। पर इतना प्यार मिल रहा है ना कि
बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक आखिरी सवाल, यू नो कि अब बीएमसी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है क्योंकि गणपति आ रहा है एंड विसर्जन के टाइम पे जो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे नहीं, नहीं, लोगों को? बीएमसी, हम बीएमसी के इतने कार्य, नहीं नहीं, बीएमसी के इतने कार्यकर्ता हैं, मैं यू नो मैं उनको एडवाइस नहीं कर सकती। बस यही है कि सिटीजन्स को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप या हम रास्ते में जाते वक्त बॉटल फेंक दे, कुछ खा के फेंक दे, यू नो। और जहाँ तक हो सकता है अगर हम इको फ्रेंडली गणपति इस्तेमाल करें और फिर यू नो उसे पानी में ही किसी टंकी में अगर विसर्जन करें तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं बीच पर रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से हानि पहुँच रही है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।